अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो हम लोग मुफरदात, जो कि थर्ड प्रोफ का सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे शिकंजबीन, जिसमें हम लोगों ने चार शिकंजबीन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पाँचवें शिकंजबीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिकंजबीन उनसुली। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। शिकंजबीन उनसुली की वजह तस्मिया की बात करेंगे हम लोग, कि इसका नाम शिकंजबीन उनसुली क्यों रखा गया, किस बिना पर। ठीक है, तो देखिए इसमें शिकंजबीन उनसुली में उनसुल का इस्तेमाल किया गया। उनसुल का मतलब होता है प्याज, सब लोग घरों में यूज़ करते हैं प्याज को। ठीक है, तो इसका जो चीफ कंपोनेंट है, चीफ कंपाउंड है, जो इस दवा में मेन जो शामिल किया गया है, वो है प्याज यानी उनसुल। तो इसी के बिना पर इसका नाम शिकंजबीन उनसुली रखा गया है। ठीक है, और अगर आपको एग्ज़ाम में इसकी वजह तस्मिया लिखनी हो तो आप लिखेंगे चूंकि इस मुरक्कब में जुज़े ख़ास उनसुल शामिल किया गया है, इस बिना पर इसका नाम शिकंजबीन उनसुली रखा गया। शिकंजबीन उनसुली के अज्जा और तरकीब तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अज्जा का मतलब कि कौन से और इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी और दवाएं इस मुरक्कब में शामिल की जा रही हैं, इस कंपाउंड में। और तरकीब तैयारी का मतलब प्रिपरेशन, कैसे हम उस दवा को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है उनसुल यानी प्याज, क्योंकि ये जूज़े ख़ास है, इसको हम लोगों ने इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद सिरका यानी एसिटिक एसिड, उसके बाद शहद, और अगर शहद नहीं है तो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का। ठीक है, तो अब इसके वज़न की बात करें कि कितना कितना हम लोग लेंगे। तो उनसुल हम लोग लेंगे 125 ग्राम। ठीक है, और सिरका हम लोग लेते हैं इसमें 1.5 kg यानी 1.5 किलो, और शहद हम लेते हैं 1.5 किलो। ठीक है, ये तीनों अज्जा हम लोग इतनी इतनी क्वान्टिटी में लेते हैं। ठीक है, और अब बनाने की बात की जाए कि कैसे ये दवा हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो प्याज है, इसको अच्छी तरीके से छील लीजिए। छीलने के बाद उसको खूब महीन काट लीजिए, जितना महीन, या पीस लीजिए। पीस लेंगे तो और अच्छा है, मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद एक बर्तन लीजिए, बर्तन में उस प्याज का पेस्ट डाल दीजिए जो आपने मिक्सर में पीस लिया है, ग्राइंडर में। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको 1.5 किलो सिरका ऐड करना है। ये सिरका जो हम लोगों ने यहाँ लिया है, इसको ऐड करना है, और फिर इसे आग पर गरम करके पका दीजिए थोड़ी देर तक। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक पका लीजिए। जब पक जाए पूरी तरीके से, तो इसको फिर छान लीजिए, पूरा सॉल्यूशन जो है एक दूसरे बर्तन में छान लीजिए, इसमें से इस बर्तन में कर लीजिए। छानने के बाद अब जो शहद बचा है, अब उस शहद को ऐड करना है और फिर थोड़ी देर पका लेना है। ठीक है, और जब ये पक जाए तो फिर हम इसे उतार कर ठंडा करके महफूज कर लेते हैं, और फिर जहाँ इस्तेमाल करना होता है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जब इन उनसुली के मवा के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किन मौक़ों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मेन इसका एक ही काम है लेकिन नायाब काम है। ठीक है, तो देखिए जिगर व तिहाल में मुफीद है, यानी जिगर मतलब लीवर और तिहाल मतलब स्प्लीन। तो क्या होता है कि प्याज जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर किसी मरीज में जिगर का साइज़ बढ़ा हुआ है, यानी हेपेटोमेगेली है, सूजन आ गई है, या तिहाल जो तिल्ली होती है उसमें अगर उसका साइज़ बढ़ गया है, कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो उसमें बहुत ही अच्छा रोल है इसका, शिकंजबीन उनसुली का। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जिगर और तिहाल की सूजन को कम करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं सफरा को कम करने के लिए। ठीक है, अगर बाइल बढ़ गया है, ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको कम करने के लिए। और फिर इसका काम होता है, ये डायूरेटिक्स और इम्यूनोकॉक दोनों काम होता है इसका। डायूरेटिक्स यानी पेशाब लाने वाली दवा है, यानी किडनी की अगर कोई प्रॉब्लम है, पेशाब नहीं हो रहा है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूनोकॉक है यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन इन मौक़ों पर हम शिकंजबीन उनसुली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मिकदार खुराक की, यानी कितना हम इस्तेमाल करेंगे, कितना यूज़ करेंगे हम इसे। तो हम यूज़ करते हैं इसको 25 ml 25 ml। ठीक है, सुबह और शाम दो टाइम आप इसे ले सकते हैं। ठीक, आप इस 25 ml को 100 ml पानी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं।
ग्लास में डाल के या फिर इसे ऐसे पीकर फिर पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप डायल्यूट करके पिए। तो ये था शिकंजवी उंसुली के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये दवा पूरी तरीके से समझ आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी और वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और लिंक अपने जूनियर बैचमेट फ्रेंड्स को सबको शेयर करें। और ये दवा आप घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट में इसका कंपाउंड भी मिलता है, आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई दवा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।